अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू क्लास केजी. आई एम योर साइंस टीचर मिस आयशा. टुडे वी डू कॉपी वर्क. सो ओपन योर साइंस कॉपी. ओके, वी डू आर कॉपी वर्क. देखा कॉपी वर्क की वर्कशीट्स हैं. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ट्रांसपोर्ट के बारे में. व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट, क्या चीज़ें शामिल होती हैं ट्रांसपोर्ट में, हमने वो पढ़ा था. तो आज हम उसकी वर्कशीट कॉपी में डन करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें लैंड ट्रांसपोर्ट में शामिल होती हैं, कौन सी एयर में और कौन सी वाटर में. सबसे पहले हमारे पास है लैंड ट्रांसपोर्ट. इसमें हम सर्किल करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी चीज़ लैंड ट्रांसपोर्ट में शामिल होती है. तो हमारे पास सबसे पहले जो है क्या बना हुआ है, कार. कार की पिक है ना, तो कार क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, ज़मीन पर चलती है. तो इस पर हम सर्किल करेंगे. हमने साइकिल कर दिया, हमारी कार कौन सी होगी, लैंड ट्रांसपोर्ट. अब बोट है, बोट जो होती है वो लैंड ट्रांसपोर्ट नहीं, वाटर ट्रांसपोर्ट होती है. तो इस पर हम सर्किल नहीं करेंगे. बस, बस हमारी लैंड ट्रांसपोर्ट होती है, ज़मीन पर चलती है. तो इस पर हम सर्किल करेंगे. ठीक है, हमने ये डन कर ली. नेक्स्ट हमारे पास वैन है. वैन भी लैंड ट्रांसपोर्ट होती है, ज़मीन पर चलती है. तो इस पर भी हम सर्किल करेंगे. ये लैंड ट्रांसपोर्ट में शामिल होती है. ठीक है, ये हमने डन कर लिया. अब एरोप्लेन जो हेलीकॉप्टर जो है, वो हेलीकॉप्टर हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये हमारी एयर ट्रांसपोर्ट है. तो इस पर हम सर्किल नहीं करेंगे. एरोप्लेन जो है वो भी हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट नहीं है. तो इस पर भी सर्किल हम नहीं करेंगे. पैराशूट जो है वो भी हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट नहीं है. इस पर भी सर्किल नहीं करना हमने. बाइक जो है वो हमारी लैंड ट्रांसपोर्ट है. तो इस पर हम सर्किल करेंगे क्योंकि ये ज़मीन पर चलती है. ओके, हमने लैंड ट्रांसपोर्ट डन कर ली है. अब हम पेज टर्न करेंगे और अब हम स्टार्ट करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हमारे पास क्या है, एरोप्लेन. तो अब हम एरोप्लेन पे सर्किल करेंगे क्योंकि ये हमारी एयर ट्रांसपोर्ट है. हमने उन चीज़ों पे सर्किल करना है जो हमारी एयर ट्रांसपोर्ट हो. ये हमारे पास एरोप्लेन हो गया, हमने इस पे सर्किल करेंगे. ये हवा में उड़ता है. ये हमने डन कर लिया. एयर ट्रांसपोर्ट होगी. बस हमारी लैंड ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट नहीं है. तो इस पे सर्किल हम नहीं करेंगे. कार भी हमारी एयर ट्रांसपोर्ट नहीं है, लैंड ट्रांसपोर्ट है. इस पे भी हम सर्किल नहीं करेंगे. पैराशूट जो हमारा है वो एयर ट्रांसपोर्ट है, हवा में उड़ता है. तो इस पे हम सर्किल करेंगे. हेलीकॉप्टर जो है वो भी हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है. तो हम इस पे भी सर्किल करेंगे. ठीक है, समरी हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है. ट्रैक्टर भी हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट है. इस पर भी हम सर्किल नहीं करेंगे. ठीक है, शिप हमारी वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट नहीं है. तो इस पर भी हम सर्किल नहीं करेंगे. ये हमारी वर्कशीट डन हो गई. हम पेशन करेंगे और अब हम वाटर ट्रांसपोर्ट पे देखेंगे कौन सी चीज़ हमारी वाटर ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड होती है. सबसे पहले बोट है. बोट हमारी वाटर ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड होती है क्योंकि ये पानी के ऊपर कर तैरती है. तो ये इस पर हम सर्किल करेंगे. साइकिल हमारी लैंड ट्रांसपोर्ट है, इस पर हम सर्किल नहीं करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कार है. कार हमारी लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं है. तो इस पर हम सर्किल नहीं करेंगे. शिप हमारी वाटर ट्रांसपोर्ट है. तो इस पर सर्किल हम करेंगे क्योंकि ये पानी के ऊपर तैरती है. ठीक है, ये हमने डन कर ली. एरोप्लेन जो है वो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं है. बस भी हमारी लैंड ट्रांसपोर्ट है. तो इस पर सर्किल हम नहीं करेंगे. सब मरी जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है, पानी के अंदर होता है. तो इसको हम सर्किल करेंगे. ठीक है, पैराशूट जो है वो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं है. तो इस पर हम सर्किल नहीं करेंगे. ये हमारी कॉपी वर्क डन हो गया है. थ्री वर्कशीट्स हैं, आपने मुझे डन करनी है और इन्हें मुझे पिक सेंड करनी है इन्हें डन करके. ये आपका होमवर्क है, आपने इसको डन करना है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. टेक केयर योर सेल्फ एंड गुड लक फॉर योर कॉपी वर्क.